अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सेंट्रोडेक्स। ये काइड्रॉफ है, ये एलर्जी के लिए है और एंटीबायोटिक है इसमें और स्टेरॉइड है। ये जो एंटीबायोटिक है इसमें होता है अपना बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इन्फेक्शन वगैरह अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको इन्फेक्शन चल रहा है इसका तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक तरह का इन्फेक्शन होता है कि कुछ एलर्जी की वजह से भी इन्फेक्शन वगैरह बन जाते हैं। ज़्यादातर जब आपने कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई जाती है तो उस वक्त ये डॉक्टर ज़्यादातर देते हैं, तो ये इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये ड्रॉप है। तो मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन एक चल रहा था खुद, जो एलर्जी की वजह से बना हुआ था कि वो अपना बैक्टीरिया इन्फेक्शन था, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने दिया है। बैक्टीरिया यानी एलर्जी की वजह से जॉइंट पीले बन जाते थे, उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। आप दो टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हद तक है स्टीरोइड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर यूज़ ना करें ताकि आपकी साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ग्लॉकोमा कैटरिक वगैरह हो सकता है इस ड्रॉप से। हत्या कि आप 15 से 20 दिन, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको एलर्जी या इन्फेक्शन चल रहा है तो 15 से 20 दिन यूज़ कर लें। उससे मतलब 20 दिन में तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर एंड और, ताकि आपको और ऐसी नई वीडियो मिल सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।